एक हफ्ता हो गया और कितना टाइम लगाओगे तुम लोग? मैं कुछ मदद करूं आपकी? आओ बैठो, तुम लोगों से तो मैं बाद में बात करती हूँ। बताओ तुम क्या मदद कर सकते हो? मैम मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने सुना आपकी कोई क्वेरी है जिसको लेके आप लोग परेशान हैं, ना आप सॉल्व कर पा रहे हैं ना आपकी टीम। आप मुझे वो फाइल दिखाइए उस क्वेरी की, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। जी मैम, मुझे ना आपका पीसी चाहिए होगा एक बार। मैडम डन, आपकी क्वेरी सॉल्व हो चुकी है, ये लीजिए। अरे वाह, तुमने इसे 10 मिनट में पूरा कर दिया और मेरी टीम एक हफ्ते से इसमें लगी हुई थी, इवन उन्हें और टाइम चाहिए था। तुम्हारा नाम क्या है? मैडम मेरा नाम अभिषेक है एंड मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने आया था। ओ वाओ, तुम सिलेक्ट हुए या नहीं हुए? नहीं मैडम, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने आया तो था लेकिन एक सर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू ही नहीं लिया। सर सर सर, मेरा इंटरव्यू कब होगा सर? अरे तुम अभी तक यहीं बैठे हो, इंटरव्यू तो हो चुके हैं। सर मैं यहाँ पे सबसे पहले आया था लेकिन आपने इंटरव्यू जो मेरे बाद में आया उनका लिया, ऐसा क्यों सर? मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया आपने? देखो ऐसा है, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हर किसी के इंटरव्यू लेते फिरेंगे। एक काम करना, कल आ जाना, कल देख लेते हैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे। एक हफ्ता हो गया और कितना टाइम लगाओगे तुम लोग? क्या ऐसे कैसे हो सकता है? नितिन को तो मैं बताती हूँ। नितिन, नितिन। यस मैम। तुम ये बताओ तुमने इनका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? अरे मैडम आप खुद ही देखिए, जो अपने पैरों पे खुद खड़ा नहीं हो सकता, अरे उसका इंटरव्यू क्या ही लेना। नितिन तुम इनसे तमीज से बात करो, तुम्हें ये भी नहीं पता किससे किस तरीके से बात की जाती है? तुम इनके लुक को लेकर जज कर रहे हो? अरे मैडम आप खुद ही देखिए ना, इसको ना तो कपड़े पहनने का ढंग है ना इसको बोलने का ढंग है, ऊपर से लंगड़ा है, हमारी बेइज्जती नहीं होगी? एक बात बताओ, कोई बाहर से क्लाइंट आएगा इसको देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि इस कंपनी में तो सारे लोग ऐसे होंगे, हमारी कंपनी की बेइज्जती होगी, सिर्फ इसलिए से मैंने इसको यहाँ पे जॉब नहीं दी। तुम्हें किसी के फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो इस कंपनी में? काम कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट तुम एक हफ्ते से करने में लगे थे वो इसने 10 मिनट में पूरा कर दिया और तुम लोगों को तो और ज्यादा टाइम चाहिए था। क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? नहीं ना। एक हफ्ते से तुम्हारी टीम क्या कर रही है मुझे ये बताओ। क्या इसने 10 मिनट के अंदर वो सोल्व कर दिए? हो सकता है मैडम इससे कोई तुक्का लग गया हो। अब एक बात बताओ, तुक्का नाम की तो चीज़ होती है। अब मान लो आप इसको यहाँ पे रख लोगे तो बेइज्जती तुम्हारी होगी। आप मेरी बात मानो, इसको धक्के मार के यहाँ से निकालो। तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। आप ये बताइए आप कौन सी पोस्ट के लिए आए थे इस कंपनी में? मैडम मैं यहाँ पे जूनियर डेवलपर के लिए आया था। अब तुम यहाँ जूनियर डेवलपर के लिए नहीं आओगे, अब तुम यहाँ सीधा सीनियर डेवलपर के लिए आओगे। अरे मैडम वो पोस्ट तो मेरी थी ना। ये पोस्ट तुम्हारी थी, अब नहीं है, यू आर फायर नाउ। अरे मैडम आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतनी छोटी सी गलती के लिए। मैडम मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, प्लीज आप मेरे को इतनी बड़ी सजा मत दो। और वैसे भी मैडम मैं इस कंपनी के अंदर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कुछ तो मेरी रेपुटेशन है ना। प्लीज मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब ये सब बोलने का कुछ फायदा नहीं है, ये सब ना तुम्हें इसका इंटरव्यू लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम यहाँ से जा सकते हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारी कंपनी में कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू मैडम, आपने मेरी काबिलियत देखी ना कि मेरी पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच, अब मैं चलता हूँ।